एक बहुत अच्छा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टी ऑप्शन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेईई एग्जामिनेशन में आ चुका है, शायद 2020 में ही आया है। तो अब ये देखें कि क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन इस प्रकार से है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, या हम कहें कि चार अभिक्रियाएं दी हुई हैं, जो कि ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में हैं। और इनमें से किस अभिक्रिया के द्वारा हमें प्रोपेन प्राप्त होगा, यह हमें जानकारी देना है। अब इसलिए हमको एक एक अभिक्रिया को देखना पड़ेगा। पहले रिएक्शन को हम देखें तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम बोलते हैं लाइम स्लेक विद सोडा, फॉर्म्स एन एल्केन, एंड इन दिस केस द एल्केन इज प्रोपेन। अगर हम आप इसको देखें तो इसको इस तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर सी ओ एन ए प्लस एन ए ओ एच, तो सी ओ एन ए ओ एन ए ओ एच ज्वाइन करके सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब दूसरी अभिक्रिया को हम देखें तो ये भी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, जिसमें कि देयर इज एक कार्बन डाइटम एटम विच सेपरेट्स आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू गेट प्रोपेन CH3CH2CH3। और अगर तीसरी अभिक्रिया देखें तो ये तो जिंक और डाइल्यूट HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज द एल्किल हेलाइड आर क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू प्रोपेन। और चौथी अभिक्रिया देखें तो ये जिंक रिएक्ट्स विद डाई ब्रोमो कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स एन इलिमिनेशन रिएक्शन एंड इज गिव्स आउट एन एल्कीन। सो दैट्स देयर। अब अगर देखें इसमें तो ये चार ऑप्शंस में से ए बी सी सही है, बाकी चौथा ऑप्शन तो गलत है, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके।